किसी भी प्लेन में जितने भी डोर्स होते हैं उनका अच्छे से बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना केबिन का एयर प्रेशर लीक हो सकता है। लेकिन क्या है ये केबिन एयर प्रेशर? इस हादसे को डीपली समझने के लिए हमें पहले केबिन एयर प्रेशर को समझना पड़ेगा। आपने फोटोज देखी होंगी कि कई माउंटेनियर्स जब हजारों फीट ऊंचे पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं तो उन्हें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उतनी ऊंचाई पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है। एयर तीन कॉम्पोनेंट से बनती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, जिसमें ऑक्सीजन का हिस्सा या कॉन्सेंट्रेशन 21% होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड या हाइट बढ़ती है एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, जिस कारण नॉर्मली सांस लेने पर भी हमें पहले से कम ऑक्सीजन मिलती है। 29,000 फीट ऊंचे माउंट एवरेस्ट के शिखर पे एयर प्रेशर 3 गुना कम होता है, जिससे हाइपोक्सिया का खतरा होता है। हाइपोक्सिया में इंसान के बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर पाते और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, और इसीलिए माउंटेनियर्स को ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत पड़ती है।